सुंदरपुर गांव में एक बहुत बड़ा सेठ अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। लेकिन उनका एक ही दुख था, सब कुछ होने के बावजूद भी उनके पास कोई संतान नहीं थी। दोनों पति पत्नी पूरे गांव की सहायता करते, धन धान्य की किसी को कमी नहीं होने देते थे। सभी की मदद करने के बावजूद भी उनके घर में संतान हो ही नहीं रही थी। पत्नी बहुत उदास रहने लगी। एक दिन एक बड़े साधु उनके दरवाजे पर आए और भिक्षा मांगने लगे। सेठानी ने उन्हें बिठाकर अच्छे अच्छे पकवान खिलाए, उनकी खूब सेवा की। जाने से पहले सेठ और सेठानी को पंडित ने कहा, मैं तपस्या करने हिमालय जा रहा हूँ, ये मेरी ओर से भेंट स्वीकार करो। पंडित ने एक सुनहरी मछली सेठ और सेठानी को दी और कहा कि वो उसे एक बच्चे की तरह पालें। सेठानी ने पूछा, पंडित जी इस मछली का मैं क्या करूं? पंडित ने कहा कि ये मछली नहीं बल्कि उनकी संतान है, इसका ख्याल रखना अब उन दोनों का फर्ज है। पंडित के जाने के बाद पति पत्नी ने उतना ही प्यार उस मछली को दिया जितना वो अपनी औलाद को देते। धीरे धीरे मछली बड़ी होने लगी। सेठ सेठानी ने एक बड़ा सा तालाब घर पर ही बना दिया था जिसमें वो मछली रहा करती थी। जब मछली बड़ी हुई तो उसने अपनी माँ से बातें करनी शुरू कर दी। यह चमत्कार देखकर पति पत्नी हैरान थे कि वो बोल सकती थी। एक दिन मछली ने अपनी माँ से कहा, माँ अब मैं शादी करना चाहता हूँ, क्या अकेले ही इस तरह तालाब में रहूंगा? मेरे कोई दोस्त नहीं है, कुछ करो ना माँ। सेठानी सेठ से कहकर बहुत सारी शहर से मछलियाँ मंगवाती है और उसे उस तालाब में रख छोड़ती है। अब तालाब में बहुत सी मछलियाँ थी। मछली एक राजकुमार की तरह खुशी खुशी रहने लगा। अब उसके दोस्त भी थे और उसकी एक सहेली भी थी जिसे वो शादी करना चाहता था। यह बात जब उसने अपनी माँ से कही तो माँ पिता बहुत खुश हुए और दोनों ने उनकी झट से शादी कर दी। लेकिन एक चमत्कार हुआ, शादी करते ही मछली और उसकी साथी सहेली दोनों लड़का और लड़की में बदल गए। यह देखकर सेठानी हैरान रह गई। अरे ये क्या जी, देखा तुमने? अरे ये मछली मेरा प्यारा राजकुमार जैसा बेटा, ये तो लड़का है। पंडित जी ने ठीक ही कहा था, मैंने अच्छा किया जो उनकी बात मान ली। हम दोनों को उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनका ध्यान करिए और शुक्रिया अदा करिए। सेठ और सेठानी बहुत खुश हो गए और उन्होंने वर वधु को आशीर्वाद भी दिया और पंडित को याद करके उनका धन्यवाद किया। प्याज की खेती। राघव हर साल अपने खेतों में सिर्फ और सिर्फ प्याज की खेती किया करता था। अक्सर वो इस बात का ध्यान रखता था कि बाजार में कौन सी सब्जी की बहुत ज्यादा डिमांड है, अक्सर उसी सब्जी का वो खेती किया करता था। प्याज की हमेशा ही बाजार में अच्छी डिमांड रहती थी, इसीलिए वो ज्यादातर प्याज ही बोता था। एक साल प्याज के दाम आसमान छूने लगे थे। राघव की पत्नी ने उससे कहा, अजी सुनते हो, बीज डालने का समय हो गया है। पूरे गांव ने बीज डाल भी दिए और आप अभी तक बाजार से बीज लेकर भी नहीं आए हो, बात क्या है? अरे तुम तो नाराज हो जाती हो, आज वहीं जाने का मेरा प्रोग्राम है। मैं शहर जाकर बीज लेकर आता हूँ और उसी दुकान से लाऊंगा जहाँ से हमेशा से लाता हूँ। मुनाफा तो बिल्कुल निश्चित रूप से होगा। राघव शहर उसी दुकान पर जाता है जहाँ से वो हर साल बीज लेकर आया करता था, लेकिन इस साल वो दुकान बंद थी। आसपास पूछने के बाद पता चलता है कि अब वो दुकान घाटे में जा रही थी, इसीलिए हमेशा के लिए बंद हो गई। राघव को किसी और दुकानदार और उसके बीज पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। राघव खाली हाथ घर लौट आता है। उसकी पत्नी ये सारी बात सुनकर हैरान रह जाती है। ये आपने क्या किया? एक दुकान बंद हो गई तो क्या हुआ? अरे किसी और दुकान से ले लेते, सारी दुनिया एक ही दुकान से हमेशा ही थोड़ी ना बीज लेती है। अब क्या बोओगे, क्या करोगे? मैं तो कहती हूँ कल ही जाओ और जाकर बीज लेकर आओ। अगले दिन राघव नई नई दुकानों पर जाकर बीज के लिए बात करता है, मगर कहीं भी उसे प्याज के बीज नहीं मिलते। पूरे बाजार में प्याज के बीज खत्म हो चुके थे।
यही बात जब वो घर में पत्नी को आकर बताता है तो वो बहुत नाराज हो जाती है। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ, अब क्या करेंगे? मुनाफा तो छोड़िए, खेती करना ही मुश्किल है बिना बीज के तो। राघव मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से कहता है, मैं जानता था तुम यही कहोगी, लेकिन इस बार मेरे पास एक उपाय है। उपाय? कैसा उपाय? राघव घर में पड़ा हुआ एक पुराना संदूक खोलता है और उसमें से कुछ बीज निकालता है। अपनी पत्नी को दिखाते हुए राघव कहता है, ये बीज देख रही हो, ये मरते हुए माँ ने मुझे दिए थे। ये कोई आम बीज नहीं है, ये बहुत अच्छी फसल के बीज हैं। माँ ने कहा था, कभी किसी मौसम में अगर ऐसा हो कि बीज न मिले तो इन बीजों को खेतों में डालकर गुजारा कर लेना। माँ तो माँ होती है ना, देख मेरे पास बीज हैं, इस बार तो फसल ऐसी होगी कि पूरे गांव के पास ऐसी प्याज न मिलेगी। हाँ, ये तो आपने सच में कमाल की बात कर दी। अगले ही दिन राघव अपनी पत्नी के साथ खेतों में बीज डाल देता है। खेतों में बीज डालने के बाद एक अजीब चीज होती है, एक एक प्याज का साइज इतना बड़ा होता है कि हर कोई दूर दूर से उसके खेत देखने आता है। एक एक प्याज 5-5 किलो का था। ना केवल राघव का प्याज दूर देश तक जाता है बल्कि उसे इस बात का बहुत मुनाफा भी होता है। कभी कभी नुकसान के पीछे भी कोई फायदा होता है, बस हमें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। जादुई संतरे का पेड़। चिंटू हर रोज अपनी माँ के सोने के बाद पास के गांव से बाग में लगे हुए छोटे छोटे मीठे मीठे संतरे तोड़ने के लिए जाया करता था। कभी कभी वो अपने दोस्त मिंटू को भी अपने साथ ले जाया करता था। एक दिन चिंटू की माँ ने सोने से पहले उसे चेतावनी दी, देख चिंटू, मैं सोने जा रही हूँ, सुबह 4 बजे की उठी होती हूँ, सारा शरीर टूट रहा है, कितना काम भी बाकी है, अब मुझे 1 घंटा सोने देना, बिल्कुल परेशान मत करना, और खबरदार जो तू पास वाले बाग में गया, तू जानता नहीं वहाँ सांप बिच्छू ना जाने कैसे कैसे जीव हैं, कहीं किसी ने तुझे काट लिया तो क्या होगा, तू मेरी इकलौती संतान है रे। अरे माँ, तुम परेशान क्यों होती हो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम आराम से सो जाओ। पक्का? हाँ हाँ पक्का। माँ के सोते ही वादा चिंटू भूल गया और चला गया अपने दोस्त मिंटू के साथ पास वाले बाग में, जहाँ मीठे मीठे रसीले संतरे लगे हुए थे। अरे मिंटू, माँ ने कहा है जल्दी आने के लिए, अगर जल्दी ना पहुँचा तो वादा टूट जाएगा और आज तो पक्का पिटाई होगी यार। अरे अरे, तू टेंशन क्यों ले रहा है, तू चिंता मत कर, फटाफट संतरे तोड़ते हैं और घर जाकर खाएंगे, ठीक है? हाँ यार, ये ठीक है। चिंटू और मिंटू बाग में बड़े बड़े पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, फटाफट संतरे तोड़ते हैं और अपने अपने घर लौट जाते हैं। चिंटू अपनी माँ के उठने से पहले पहुँच जाता है और संतरे मजे से खाने लगता है। अचानक उसकी झोली में जितने भी संतरे थे सभी खत्म हो जाते हैं, लेकिन एक संतरा उससे छीनने का नाम ही नहीं लेता। जैसे ही उसकी माँ नींद से जागती है तो चिंटू उससे कहता है, माँ ये संतरा तो मुझसे खुल ही नहीं रहा। अरे तू फिर से गया था क्या बाग में? अरे माँ, ये तो कल का पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा ठीक है, दिखा मुझे। चिंटू की माँ उस संतरे को देखकर हैरान रह जाती है। बेटा चिंटू, ये कोई खाने वाला संतरा नहीं है, ये तो सोने का है। क्या कहा माँ, सोने का? हाँ ये देख बेटा। माँ अब तो हमारी गरीबी दूर हो गई, हमारे पास बहुत पैसे आएंगे ना। पहले ये बता तू ये लाया कहाँ से? चिंटू अपनी माँ को सारी बात सच बता देता है। दोनों माँ बेटा बाग में पहुँचते हैं और तब चिंटू की माँ की नज़र एक बड़े से पेड़ पर जाती है जहाँ पर सारे ही संतरे सोने के थे। अरे चिंटू बेटा, ये तो कमाल हो गया, सोने के हैं सारे संतरे, जल्दी जल्दी तोड़,
भगवान ने मेरी सुन ली। अब तो गरीबी गई रे गई, अब तो भाई कोई चिंता नहीं। चल बेटा, मैं भी तेरे साथ ही पेड़ पर चढ़ जाती हूँ। दोनों माँ बेटा पेड़ पर चढ़ जाते हैं और सारे के सारे संतरे तोड़ लाते हैं और धीरे धीरे उनकी गरीबी बिल्कुल दूर हो जाती है।